हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन. आज की वीडियो में आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने वाला हूं. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप चश्मा हटवाने का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है चश्मा हटाने की कई टेक्निक्स होती हैं, इसमें तीन टेक्निक ज्यादा पॉपुलर है, ब्लेडलेस लेसिक, स्माइल और कंटूरा विजन, जिसमें कंटूरा विजन अभी तक की सबसे लेटेस्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजी है. तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अगर आप कोई भी चश्मा हटाने का प्रोसीजर प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले कौन सी जांच कराना इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको कंटूरा की मशीन भी दिखाऊंगा, क्योंकि कई सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए जहां पे लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब हमें कंटूरा की मशीन देखनी है कि ये मशीन दिखती कैसे है. तो आइए ये सारा कुछ आपको दिखाता हूं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बेसिकली देखिए, चश्मा हटाने से पहले हमें तीन चार इंपॉर्टेंट जांचें करनी होती हैं, जिसमें आपकी पुतली की जांच होती है, पुतली की मोटाई की जांच कि पुतली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ड्राइनेस तो नहीं है. कई सारे मैप्स निकाल के देखते हैं. ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, डायलेटेड टेस्टिंग होती है, प्रेशर की टेस्टिंग होती है. तो ये सारा कुछ एक पूरा टेस्टिंग करके एक पूरा सिस्टम बनता है, जिसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा. तो फर्स्ट टेस्टिंग जो होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेस्टिंग. ऑटोमेटेड टेस्टिंग का मतलब है हम एक कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग आपके चश्मे का नंबर कैलकुलेट करते हैं और आंख के प्रेशर की जांच करते हैं. तो पहले मैं दिखाता हूँ वो करते कैसे. तो ये जो आप मशीन देख रहे हो, इन मशीन्स में जो पहली मशीन है वो चश्मे का नंबर निकालती है ऑटोमेटेड कंप्यूटर मेथड से, और जो दूसरी मशीन है वो आंख का प्रेशर टेस्ट करती है. तो एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको. तो ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये ऑटोमेटेड मेथड से चश्मे का नंबर आ गया और ये एक स्लिप निकल गई जहां पे हमें पता लग रहा है कि चश्मे का नंबर कितना है. ठीक है, अब मैं आपको दूसरा टेस्ट दिखाता हूं. ये टेस्ट है आंख के प्रेशर की जांच करने का. तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री या NCT टेस्ट होता है ये. तो उसमें क्या होता है, एक हवा का पफ निकलता है और उससे हमें प्रेशर का पता लगता है. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने हवा का पफ मारा, इसको हमने दबाया और ये प्रेशर आ गया 15. तो इस तरह से ये टेस्टिंग होती है. ठीक है, आगे नेक्स्ट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये हमारी हो रही है मैनुअल टेस्टिंग. ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग मैनुअली भी चश्मे का नंबर टेस्ट करते हैं. मोटा मोटा मैनुअल टेस्टिंग और जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, कंप्यूटर टेस्टिंग, उनके रिजल्ट्स मोटे मोटे बराबर आने चाहिए. तो हमें पता रहता है कि हम लोग ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये एक चार्ट है जिसके बेसिस पे हम टेस्टिंग करते हैं और यहाँ पे कई तरह के लेंसेज होते हैं, रेटिनोस्कोपी से, इन सबसे टेस्टिंग करते हैं. साथ ही साथ हम आपके चश्मे का नंबर भी टेस्ट करते हैं. तो ये एक मशीन है जिसको हम कहते हैं लेंसोमीटर. इस मशीन पे आपके चश्मे का नंबर टेस्ट होता है, जो आप करंटली चश्मा पहन रहे हो. ठीक है, तो ये सब चीजें आपस में कोरिलेट करके हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं. इसके बाद जो आपकी टेस्टिंग होती है, यहाँ पे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होता है. स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में बेसिकली हम आई को पूरा एक बार ही देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ ही साथ हम आपका यहाँ पे ड्राई आई टेस्टिंग भी करते हैं. तो ये एक डाई होती है, फ्लोरोसिन डाई. इस डाई से हम लोग आंख को स्टेन करके एक ड्राई आई टेस्टिंग करते हैं. उसके बाद आपका ये वाला टेस्ट होता है, ये ऑटोमेटेड ड्राई आई टेस्टिंग है. तो यहाँ पे जो टेस्टिंग हुई है ड्राई आई की, ये मैनुअल टेस्टिंग हुई है, यहाँ पे हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हैं. तो ये पूरा ड्राई आई इक्विपमेंट्स हैं जहां से हमें पता लगता है कि आंखों में ड्राइनेस तो नहीं है. देखिए, अगर आंखों में ड्राइनेस है और लेजर कर दिया तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है. तो आपको ये टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लेजर सर्जरी को प्लान कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टेस्टिंग होती है इसको हम कहते हैं स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी. स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी का मतलब है कि हम जो आपकी आंख की पुतली है उसकी अलग अलग लेयर्स को स्टडी कर लेते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगेन, अगर आप चश्मा हटाने का सोच रहे हैं तो ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं हो सकता. नेक्स्ट जो आपके ये दो टेस्ट हैं, इसको कहते हैं टोपोलाइजर और इसको कहते हैं हम लोग ऑक्युलाइजर. ये बेसिकली आपके कंटूरा के स्पेसिफिक है. ये वाले टेस्ट हम मेनली कंटूरा में यूज करते हैं, क्योंकि कंटूरा में हमें कुछ स्पेशल टाइप के मैच चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपका ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं. और जो नेक्स्ट टेस्टिंग है इसको हम कहते हैं पेंटाकैम. बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें हम आपका पूरे कॉर्निया का एक मैप निकालते हैं और हम देखते हैं कि आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. इसके बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं वो टेस्टिंग करते हैं पर्दे की, क्योंकि आपका पर्दा भी बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो वो दिखाता हूँ पर्दे की टेस्टिंग कैसे होती है.
तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये हम लोग पर्दे की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप कहते हैं, उससे हम टेस्टिंग करते हैं पर्दे की, पूरा टेस्टिंग। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ फिर क्या होता है इसके आगे। उसके बाद जब ये सारी टेस्टिंग हो जाती है, फिर हम अपने रूम में चेक करते हैं पेशेंट्स को। फिर यहाँ पे फिर हम बाकी टेस्टिंग करते हैं, जहां पे मैं अपने टेस्ट करता हूँ, बाकी सारे मैप्स को स्टडी करना, सब कुछ देखना, अगर कोई स्पेसिफिक और टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको करते हैं। तो ऐसे इस तरह से पूरा आपका एक वर्कअप बनता है चश्मा हटाने का, और उसको एनालाइज करके फिर हम आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। काफी सारे लोगों की ये भी क्वेरीज थी कि डॉक्टर साहब हमें कंटूरा विजन की लेजर मशीन जो है उसको दिखाइए। तो देखिए इस तरह की दिखती है कंटूरा विजन की मशीन। इसमें बेसिकली दो मशीन के कॉम्बिनेशन से बनती है, और एक बेड होता है बीच में, उससे ये मशीन जो है आपस में जुड़ती है। तो इस तरह की कंटूरा की मशीन होती है, ये भी आपको जानना जरूरी है, ताकि जब आप कंटूरा का ऑपरेशन कराएं तो आप मशीन को पहचान सकें कि वो मशीन दिखती कैसी है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।